हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 9 ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अकेले में नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो मिलते रहें। फर्स्ट मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट। 1974 में आई एग्जॉर्सिस्ट पहली अमेरिकन मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म की कहानी में एक लड़की पर पड़े प्रेत के साए से कैसे एक पादरी लड़ता है उसे बेहद डरावने तरीके से दिखाया गया है। सेकंड मूवी है द रिंग। 2002 में आई द रिंग अमेरिकन फिल्म है जो इसी नाम की एक जापानी फिल्म पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे टेप की है जिसे देखने वाले को 7 दिन में मौत का सामना करना पड़ता है। इस मूवी ने कई नामी अवार्ड प्राप्त किए हैं। ये मूवी बहुत डरावनी है। नेक्स्ट मूवी है कंज्यूरिंग। कंज्यूरिंग को कोई ऑस्कर अवार्ड तो नहीं मिला है, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई थी तो क्रिटिक्स ने इसको अमेरिका की सबसे डरावनी मूवी घोषित कर दिया था। फिल्म की कहानी में एक ऐसे कपल को दिखाया गया है जो भूत प्रेत से लड़ते हैं और वो एक ऐसे परिवार से मिलता है जो एक स्थापित प्रॉपर्टी पर रहने आया है। नेक्स्ट मूवी है इविल डेड। इविल डेड सीरीज़ की पहली फिल्म 1981 में आई थी, लेकिन इस सीरीज़ की जो अभी लेटेस्ट मूवी आई है वो बेहद डरावनी है। इस कहानी में एक शैतानी किताब के बारे में बताया गया है जिससे कई सालों बाद दोस्तों का एक समूह गलती से ढूंढ लेता है और उस किताब को खोल देता है और शैतान वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मूवी है साइलेंस ऑफ द लैब्स। एंथोनी हॉपकिंस की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से गिनी जाने वाली साइलेंस ऑफ द लैब्स 1991 में आई थी। इस मूवी की कहानी एक सीरियल किलर के ऊपर आधारित है जो अपने शिकार को खा भी जाता है। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था और यह मूवी रोंगटे खड़े कर देती है। नेक्स्ट मूवी है ड्रैकुला। ब्रैम स्टोकर की किताब पर बनी फिल्म ड्रैकुला 1992 में आई थी। ये मूवी ड्रैकुला की सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी है। ड्रैकुला के ऊपर बनी इस मूवी को कॉस्ट्यूम, मेकअप और साउंड के लिए 3 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। नेक्स्ट मूवी है स्लीपी हॉलो। 1999 में रिलीज हुई स्लीपी हॉलो एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। फिल्म की कहानी में एक गांव में सिरकटे आदमी द्वारा लोगों के मारे जाने की खबरें आती हैं और इस मूवी को आर्ट डायरेक्शन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट मूवी है रोजमेरी बेबी। 1968 में निर्देशक रोमन पोलास्की की इस फिल्म में एक लड़की की कहानी बताई गई है। इस लड़की गर्भ से एक शैतान का बेटा जन्म लेता है। इस फिल्म की कहानी एकदम नई थी इसलिए इसे हाथों हाथ लिया गया था। इसे एक ऑस्कर और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। लास्ट मूवी है रामगोपाल वर्मा की भूत। भूत मूवी के लिए उर्मिला मातोंडकर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। यह फिल्म हॉलीवुड की एग्जॉर्सिस्ट मूवी की प्रेरणा से बनी थी। इस फिल्म में अपने समय पर एक कमाल का बिजनेस किया था और बॉक्स ऑफिस पर जो भूत प्रेत की मूवी होती हैं उसका मार्केट खोल दिया था। यह मूवी सुपरहिट रही थी। फ्रेंड्स, ये थी कुछ हॉरर मूवी जिन्हें आप अकेले में नहीं देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।